प्रणाम देवर जी। प्रणाम भावचरणी, प्रणाम। मुझसे क्या अपराध हुआ देवर जी, जो आप मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे? नारायण नारायण, दक्ष प्रजापति के वार्तालाप में इतना उलझ गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्षमा करना भावच। देवर जी, मुझे भी वो सब बताइए जो आपने अपने भ्राताश्री से कहा। अर्थात आपने हमारी कुछ कुछ बातें सुन ली हैं। कुछ कुछ सुन ली है, परंतु ये बताइए कौन सा शुभ संदेश लेकर आप उन्हें बताने आए थे? प्रणाम देवर्षि। देवियों सुखी रहो, भगवान विष्णु तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी बहन सती का भी संदेश लाया है देवर्षि। नारायण नारायण, तुम्हारी बहन सती शिव जी की संगिनी बनकर संसार का सर्वोत्तम आनंद ले रही है, और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे। नारायण नारायण। इससे अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहती। हमारी बहन सुखी रहे, बस यही हम सबकी इच्छा है, क्यों माताश्री? हाँ बेटी, आज देवर जी ने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारी सारी आशंकाओं का अंत किया है। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं देवर जी। धन्यवाद के पात्र है तो देवर्षि का अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए। आइए देवर जी, आज हम सब आपका मुंह मीठा कराएंगे। नारायण नारायण। देवियों, ये शुभ अवसर अब तुम्हारे विवाह में ही आएगा, अब मुझे आज्ञा दे। सुनिए तो देवर जी, इन देवियों के विवाह की तैयारियां कीजिए, अन्यथा विलम्ब हो जाएगा भावे। नारायण नारायण। रोहिणी, नारद जी किसके विवाह की बात कहकर गए अभी अभी? मैं क्या जानूं, तुम ही पूछ लो ना माताश्री से। तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी, और उनकी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती, समझी? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। कहाँ से आई हो पुत्रियो? चंद्र पूजन के लिए। चंद्र पूजन? चंद्र पूजन ही क्यों, उत्तर दो पुत्रियो, उत्तर दो। तुम ही बताओ ना, तुम बताओ ना, तुम ही बता दो रोहिणी बहन। जिस प्रकार बहन सती ने अपने अभीष्ट वर को तपस्या से प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपनी पूजा अर्चना आराधना से चंद्र देवता का हृदय जीत उन्हें पति रूप में पाना चाहते हैं। देख लिया महारानी, देख लिया अपनी पुत्री सती को ढील देने का परिणाम। अब ये सब की सब उसी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है। स्वामी, अपनी पुत्रियों के विवाह तो हमें करने ही है। चंद्र अति सुंदर और तेजस्वी देव पुरुष है, यदि वो इन्हें भाग गया है तो आपको विवाह करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी पुत्री सती अपने पति ग्रह में कितनी प्रसन्न है, इन्हें भी इनका मनोवांछित पति मिलेगा तो इनके सुख के प्रति भी हमें कोई शंका नहीं रहेगी। किंतु सभी पुत्रों का विवाह एक ही वर के साथ करने का विचार मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तुम किसी एक कन्या के विषय में कहो तो मैं चंद्र के माता पिता अत्रि और अनुसुईया के सम्मुख इसी क्षण विवाह का प्रस्ताव रखने को प्रस्तुत हूँ। पिता का कहना उचित है पुत्रियों, तुम में से किसी एक का विवाह ही चंद्र के साथ हो सकता है, किंतु हम सभी नक्षत्र कन्याएं हैं माते, हमारा जीवन चंद्र से जुड़ चुका है, हम में से कोई भी चंद्रदेव के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। हम सबकी यही दशा है। ठीक है, मैं अत्रि आश्रम जाकर विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। आपके प्रस्ताव ने हमें धन्य कर दिया राजन। महिमाशाली राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियाँ हमारी पुत्रवध में बनकर इस आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी, ये हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है। गौरव तो आपने हमारा बढ़ाया ऋषिवर अत्रि जी। देवी अनुसुईया, हमारी पुत्रियों को चंद्र जैसा तेजस्वी पति और आप जैसे सात्विक मना सास ससुर मिले, ये उनके किन्हीं पुण्यों का ही प्रसाद है।
अब आप आज्ञा दीजिए। विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित होते ही आपको सूचित करूंगा। जैसा आप उचित समझे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी अनुसुईया। प्रणाम। सत्ताईस नक्षत्र कन्याओं के आगमन से यह आश्रम जगमगा उठेगा। आश्रम ही नहीं, आकाश स्थित चंद्र महल भी। किंतु किंतु क्या स्वामी? मैं सोच रहा था, हमारे पुत्र चंद्र का चित्त अति चंचल है। क्या वो 27 पत्नियों के प्रति अपना पति धर्म एक रूपता से निभा पाएगा? विवाह के बाद का चिंतन ना करें स्वामी। चिंता करने से होगा भी क्या, क्योंकि इन नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह होना विधि का विधान है और हम इसे हर्ष पूर्वक